लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था, जाति जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा, और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से, तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में, और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 84-85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें।